my dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, as you know that we have provided you many lectures on the subject that is guidance and counseling, which is a secular paper in the fifth term of the कॉलेज एजुकेशन. सो आज जो हमको पढ़ना है वो है कि हमने गाइडेंस के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और आपने अंडरस्टैंड भी किए हैं और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे व्यूज़ आए हैं. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बच्चों को समझ आ रहा है और जिस तरह से हमारी चैनल अब ग्रो हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप सब इस चैनल को देख रहे हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो. हाँ, यहाँ जिस तरह से ये ग्रो हो रही, तो इसमें जो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो एक छोटा सा है काउंसलिंग के बारे में. तो काउंसलिंग, एज यू नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गाइडेंस का जो होता है हेल्प होता है इन मेकिंग चूजिंग सब्जेक्ट्स, इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो ये हमने बेसिक पढ़ा कि गाइडेंस क्या होता है और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे हमने पढ़े. उसके बाद हमारा और एक टॉपिक था, वो था कि काउंसलिंग एक स्मॉल एक पार्ट होता है गाइडेंस का. तो जिसमें हम एक मतलब इंडिविजुअलाइज्ड जो इंडिविजुअल होता है उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपर्ट उसे कंसल्ट करता है, उसे इंटरेक्ट करता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग. तो स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में जो पहला स्टेप है वो मैंने आपको बोला, उसमें है पहला स्टेप, आप देख रहे हो बोर्ड पे. हाँ, आप आगे आ जाओ, इसको दिखा. काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस, क्योंकि ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको क्लियर करना है. काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस. तो काउंसलिंग में जो पहला पार्ट होता है वो होता है जिसको हम बोल सकते हैं काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस हमें चूज करने हैं. तो वहां पर हम इस बच्चे को या इंडिविजुअल को जिसको कोई प्रॉब्लम हो उसको हम गाइड कर सकते हैं, उसको हम काउंसलिंग कर सकते हैं. तो कल भी मैंने आपको बोला कि इसमें दो होते हैं, एक होता है काउंसलर, जो मैंने आपको बोला वो एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में या इस पे उस जो भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है. दूसरा होता है काउंसली. काउंसली मानो एक पेशेंट होता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, तो ये काउंसली मतलब कॉन्टेक्ट करता है काउंसलर से. तो फिर काउंसलर एक एक करके जितने भी पेशेंट हो या काउंसली हो उनको एज पर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हैं. मगर वहां पर जो स्टेप्स आपके सिलेबस में है, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, उसमें है काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस पहला. दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है रैपो. मैं जो मैंने कल भी आपको बोला कुछ बुक्स में आपको पहला स्टेप नहीं मिलेगा रैपो बिल्ड करना. रैपो बिल्ड करना हमें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो काउंसलर और काउंसलिंग के दरमियान एक रैपो बिल्ड होना चाहिए, तब जाकर वो काउंसलिंग उसको अच्छी तरह से कर सकता है. तो पहला है काम एंड अट्रैक्टिव प्लेस, दूसरा है रैपो बिल्ड करना, फिर है रिलेवेंट क्वेश्चंस, फिर ऑन द बेस ऑफ दैट हम उस जो काउंसलिंग है उसे जो ये काउंसलर है क्वेश्चंस पूछता है उसको है. तीसरा है रिलेवेंट क्वेश्चंस, फिर है कोऑपरेटिव, इसमें एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं. The one more is that is cooperative attitude. One more point is that is respect in the counseling. तो ये मैंने आपको कल भी बोला है. अब जो negative causes and finding solution, ये वाला जो step है ये important है. तो जो एक counselor है वो जो इस stage में counseling में क्या करता है, जो एक step में आता है कि ये जो counseling जो जो problem लेके आया है counselor के पास, पहले उसकी causes को देखता है. जैसे मैंने आपको बोला इसमें वो deep depth में भी जा सकता है counseling की, उसकी case study को मतलब पहले पढ़ेगा, case study देखेगा और भी कैसे देखो causes पूछेगा, causes find out की कुछ solution कर कोशिश करता है, cause क्या है इस problem की, फिर on the basis of that उसको solution देता है. तो ये important है, ये वाला जो step है सीधे step पे important है, negative causes and finding solution. उसके बाद और एक point है, जैसे many meetings होती है, फिर counselor और counseling के दरमियान बहुत सारी meetings होती है, तब जाकर वो appropriate मतलब उस point पे पहुंचते हैं कि उसको मैं किस तरह से treatment करूंगा. फिर वहां पर self understanding होती है और self development होता है. जो last stage जो मैंने आपको बोला है वो counseling काउंसलर है जो इसको काउंसलिंग करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी है जो बेसिक आपको बुक्स में मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है अवेलेबल मार्केट में. तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको बोलूंगा आपको कौन सी बुक रिकमेंड करोगे. तो रिकमेंड करता हूँ मैं बुक, वो है जैसे कि बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कि ये जो काउंसलर है उसको बेसिक इंटेलिजेंस, गुड बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए.
हाँ ये कम सर इंटेलिजेंट। दूसरा पॉइंट जो है उसको वाइड नॉलेज होना चाहिए, वाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसको, इस काउंसलर को। इसी तरह से और एक पॉइंट इसमें आता है, जैसे कि उसको होना चाहिए जैसे स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए उसको, स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए इसको, हाँ स्पेशल स्किल्स। पहला जो है अगर हम बेसिक इंटेलिजेंस भी होना चाहिए उसको, नॉलेज इंफॉर्मेशन उसमें भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्पेशल स्किल्स जो जरूरी है एक काउंसलर के पास उसको वो स्किल्स होने चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बोला उसमें और भी जैसे है, जैसे हम बोल सकते हैं पर्सनैलिटी क्वालिटीज होनी चाहिए जबरदस्त, पर्सनैलिटी क्वालिटीज भी एक इसमें और भी बहुत सारी है मगर आपके यहाँ। तो जो आज का जो वीडियो है उसमें हमने स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में बोला आपको, कॉमन अट्रैक्टिव प्लेस, रैपोर्ट बिल्डिंग करना, रेस्पेक्टिंग उसको रेलिवेंट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप करना, रेस्पेक्टिंग द काउंसलिंग, लोकेटिंग कॉज एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, मिनी मीटिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, एंड लास्ट वाला जो है वो है फॉलोअप। तो उसके बाद जो मैंने आपको बोला, जो जो काउंसलर होता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव आर शी शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी, सो जिसके से हम कंसल्ट करते हैं। तो ये आज शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बोला, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।